पीपल्स पार्टी डीजी खान डिवीजन का इजलास हुआ। सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, डिवीजनल सदर मीर आसिफ दस्ती, जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज शरीक हुए, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जनूबी पंजाब के दौरे के बारे में बातचीत की गई। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लैया सेक्रेटरीट के अंदर पंजाब पीपल्स पार्टी के जनरल काउंसिल का इजलास का इनेकाद किया गया, जिसके अंदर डिवीजन भर के जो तंजीमें होतेदरान उन्होंने शिरकत की, साथ साथ ख्वाजा रिजवान आलम सीनियर नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब, उन्होंने जहां पर खसूस शिरकत की। इस इजलास के अंदर डिवीजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज हुसैन सामटिया समेत दीगर जो होतेदरान उन्होंने यहां पर शिरकत की। तंजीम साजी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ख्वाजा रिजवान से बात करें सर, आज के हवाले से फरमाइएगा। सर देखिए, ये मेरा तंजीमी दौरा था, यहाँ डिवीजनल इजलास था हमारा डीजी खान का, जिसमें शरीक होना था, जो कि जेर सदारत डिवीजनल सदर आसिफ खान दस्ती हुआ मलिक रियाज सामटे साहब की। वह ये था कि तंजीम साजी पे हम जो है अपना होमवर्क कर रहे हैं, और इस सिलसिले में हमने एक परफॉर्मा बनाया है जो कि वो जायजा लेगी मुकामी सतह पर भी, डिवीजनल सतह पर भी, और बाद हजार सूबाई सतह पर भी। उसमें जहाँ उस नजर में हम देखेंगे कि जहाँ हमने तब्दीली करनी है, जो गैर फार गैर मुतरक लोग हैं उनके जगह नए लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि हम ये जो तंजीम साजी कर रहे हैं, ये तो एक हमारा चार साल बाद अरसे बाद जहाँ ये तंजीम साजी होती है, वहाँ हमारा इसका और भी मकसद है कि हम आने वाले इलेक्शन में अपना होमवर्क कर रहे हैं। और इस सिलसिले में मुहतरमा मोहतरम जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, उनका दौरा भी मुतवक्के है, जो कि साउथ पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में वो दौरा करेंगे, और वहाँ दौरे के दौरान जहाँ वो जलसा करेंगे, वहाँ एक दिन क्याम करने के वजह से वो तमाम मकाते फिक्र के लोगों को भी मिलेंगे वाले लहमल से आगाह कर सकें कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इकतदार आकर मौजूदा जो हमारे मुल्क की मुआशी हालात हैं उसके उसे गर्दाब से कैसे निकालेगी। और अवाम कुछ बड़े नाम शामिल हो रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर, जैसे अपर पंजाब के अंदर शामिल हुए हैं। देखिए जी, बहुत सारे लोगों ने मुलाकात की है, नामवर लोगों ने मुलाकात की है आसिफ अली जरदारी साहब के चार रोजा लाहौर दौरे के दौरान। बहुत बड़ी विक शख्सियात हैं अपनी मुकामी हवाले से, वो इलेक्टेबल भी हैं, कोई एक्स इलेक्टेबल भी हैं, लेकिन हम उनके हमें ये नजर आता है कि बदलते हुए किरदार। और सब शुक्रिया।